वीडियो एडिटिंग के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपकी ऑडियो एडिटिंग, यानी कि आपकी जो ऑडियो का पार्ट है ना आपकी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, वो अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी वीडियो बहुत बेहतर हो जाएगी एज कम्पेयर टू डैट वीडियो जिसके अंदर आपने ऑडियो बिल्कुल प्लेन रखी हुई हो। तो ऑडियो को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। जब आप कैश कॉ वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको पहले चीज़ें समझनी है कि आपको पता होगा कि कैश कॉ वीडियो के क्लाइंट जो होते हैं वो 10-20 डॉलर वाले भी होते हैं, 50-100 डॉलर वाले भी होते हैं, 200-300-500-1000 डॉलर तक की एग्जिस्ट करती हैं कैश कॉ वीडियोज। जो टॉप चैनल्स हैं वो 500-1000 डॉलर की एक वीडियो एडिट कर रहे होते हैं। अब क्या डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है कि जो टॉप चैनल है ऑब्वियसली उसमें मल्टीपल लोग मिलके एक वीडियो एडिट कर रहे हैं, कितना टाइम वो यूज़ कर रहे हैं, कौन से टूल्स वो यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। बट आपने अगर अपनी वीडियो की क्वालिटी को बेहतर बनाना है या आप क्वालिटी बेहतर करेंगे तो आपके अच्छे बजट की वीडियोज़ मिलेंगी। तो जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसमें एक ऑडियो है। वीडियो सब लगा लेते हैं, वीडियो का काम बहुत सिंपल है कि वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको उसने स्क्रिप्ट दिया, वॉइस ओवर दिया, आपने उसके अकॉर्डिंग उस पर क्लिप्स लगा ली, ये सब लगा लेते हैं। लेकिन जो समझने की बात है ना कि 50% काम वीडियो था, 50% काम ही ऑडियो होता है। अगर आपकी ऑडियो अच्छे से चल रही होगी ना, साथ साथ बहुत इंगेजिंग वीडियो व्यूअर को लेकर चल रही होगी, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी खुद ही अच्छी फील होगी। और ऑडियो पे काम करना बहुत ईजी है रिलेटिवली वीडियो के कंपैरिजन में, कि वीडियो में आपको इफेक्ट्स में आफ्टर इफेक्ट्स की चीज़ें लगानी है, एनिमेशन लगानी है, ऑडियो बड़ा सिंपल काम होता है अगर आपको आ जाए तो। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऑडियो की कुछ टिप्स दूंगा जो बहुत कॉमन है, आपको आती होंगी, हो सकता है कोई नई टिप आपको मिले, तो उससे आपकी वीडियो की क्वालिटी में बहुत फ़र्क आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि साउंड इफेक्ट का यूज़ करना होता है। आपको जब वॉइस ओवर मिलता है तो उसको आपने ऐसे ही नहीं लगा देना होता, उसमें आपने साउंड इफेक्ट्स लगाने होते हैं। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि यस, यहीं पे मेरे सामने जो प्ले हो रही है वीडियो, आप ज़रा सुनो कि यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगानी है, उसके साथ साउंड इफेक्ट लगा हुआ है, ये साउंड इफेक्ट हैं ये वाले, ठीक है, प्ले करते हैं। स्टार्टिंग स्मॉल इज की, रेजिंग चिकन्स और रैबिट्स कैन बी अ सस्टेनेबल वे टू प्रोवाइड फॉर योर। आपने देखा कि चिकन की आई तो इमेज, तो चिकन का एक साउंड इफेक्ट आया, उससे वो कितनी इंगेजिंग लगने लगी वो चीज़। विदाउट साउंड इफेक्ट ना देखते, एक दफा विदाउट साउंड इफेक्ट देखते हैं, इन दोनों साउंड इफेक्ट्स को मैं म्यूट कर देता हूं। अब दोबारा इसी पार्ट को देखते हैं। स्मॉल इज की, रेजिंग चिकन्स और रैबिट्स कैन बी अ सस्टेनेबल वे टू प्रोवाइड, ठीक है, अब सुनो और उससे पहले सुनो कितना डिफरेंस था। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ये शायद इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं थी, ये बस एक एवरेज एग्जांपल थी। अब हम जरा यहां पे देखते हैं। यस, फेंस ऑप्शंस व्हेन आउट एंड अबाउट carrying defensive weapons like pepper spray or a personal alarm can provide an added, ठीक है, आपने देखा कि दो PNG images यूज़ की तो उनके साथ दोनों का relevant sound effect आ रहा है, तो कितनी engaging लग रही है वही चीज़ कि अलार्म के साथ अलार्म आ रहा है, स्प्रे के साथ कुछ स्प्रे का आ रहा है, और जब टेस्ट आया स्लाइड चेंज हुई तो वहाँ पे भी साउंड इफेक्ट आया और हल्का सा आया, उससे मेरी ऑडियो भी डिस्टर्ब नहीं हो रही कि जो मैं ऑडियो सुन रहा हूँ वो ख़राब हो रही हो, और साउंड इफेक्ट भी आ गया। तो ये जो चीज़ है ना आपकी वीडियो को बहुत अच्छा लेवल पे ले जाती है। साउंड इफेक्ट आपने यूज़ करने हैं, बहुत सारी जगहों से मिल जाते हैं। इवन यूट्यूब पे सिर्फ साउंड इफेक्ट लिख दो कि फलानी चीज़ का साउंड इफेक्ट चाहिए अलार्म का, तो आप उसका MP3 वर्जन डाउनलोड कर लो, वही साउंड इफेक्ट आप यूज़ कर लो। कॉपीराइट फ्री वेबसाइट से मिल जाते हैं, स्टोरी ब्लॉग्स वगैरह से मिल जाते हैं, आपको मिस्क्रिप्ट से मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे। तो साउंड इफेक्ट्स का आपने इस्तेमाल करना है रेलिवेंट, पहले वीडियो बनाने के बाद ना जगह जगह उसमें जहाँ जहाँ रेलिवेंट चीज़ है साउंड इफेक्ट लगाओ, आपकी वीडियो क्वालिटी खुद ही बेहतर हो जाएगी। दूसरी चीज़, मैं पिछली कई वीडियोज़ में इसका जिक्र कर चुका हूँ, तो अगर आप इफ़ यू आर समवन न्यू जो वीडियो देख रहे हो तब तो आपके लिए न्यू होगी, वरना आप यकीनन सुन चुके होंगे मेरे से कि वॉइस ओवर में गैप देने हैं। वॉइस ओवर जो है ना, आपको जब फाइल मिले तो उसको ऐसे ही लगा देना, पूरी टाइम में फैला देना है कि बस चलता जा रहा है AI, और स्पेशली AI का वॉइस ओवर होता है तो बहुत ही बोरिंग लगता है। वीडियो को बोरिंग से इंगेजिंग बनाना ही तो मकसद होता है कि व्यूअर देखता रहे, तो वॉइस ओवर में जहाँ ज़रूरत के हिसाब से पेस है ना, वहाँ उसको करीब भी करना है और दूर भी करना है, ठीक है। वॉइस ओवर को ऐसे नहीं छोड़ देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरा वॉइस ओवर है ग्रीन वाला, इसमें आप देखो स्टार्टिंग में मैंने, क्योंकि उसको इंगेजिंग बनाना था पार्ट इंट्रो को या हुक को, तो आप देखो ये यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, और ये गैप जो है ना, ये सेंटेंसेस के अंदर जो सेंटेंस है मेरे, उनमें इम्पैक्ट लेकर आ रहा होता है कि अच्छा इसको सुन के व्यूअर समझेगा, और फिर अगला सेंटेंस शुरू होगा, व्यूअर को लगेगा कि हाँ मेरे से बात हो रही है, ऐसे नहीं कि बस चली चली जा रही है वीडियो। तो ऑडियो के काम में ना आपने एक पहली चीज़ साउंड इफेक्ट देखने थे, सबको पता होता है, वो तो पहले सुना होगा। दूसरी चीज़ जो है ना, बहुत लोग मिस करते हो, मैंने कहीं नहीं सुना कोई बता रहा हो कि वॉइस ओवर जो आपको मिलता है उसके अंदर आपने उसके पेसिंग को सेट करना है, करीब भी करना है, दूर भी करना है उसकी फाइल्स को। फॉर एग्जाम्पल हम उसको सुन भी लेते हैं एक दफ़ा, देखो फूड अवेलेबल नो मैटर द सीज़न But this convenience, ठीक है, नो मैटर द सीजन के बाद अगर फ़ौरन शुरू हो जाती ना वो बात, तो वो मज़ा नहीं आता, लेकिन क्योंकि गैप था तो अब वो तो। दूसरा हमारे पास ये पॉइंट था कि साउंड जो है ना उसमें आपको गैप देना है, पेसिंग सेट करनी है।
तीसरी और बहुत ही कॉमन चीज़, बहुत ही सिंपल चीज़, हर अच्छी वीडियो में होती है, हर बिगनर वीडियो, 90% वीडियो जो मुझे मिलती हैं उनमें ऐसा नहीं होता, वो ये है कि आपकी वीडियो शुरू कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ से हो रही है, वहाँ पर म्यूज़िक और बात लगे कि ख़त्म हुई है और शुरू हुई है। ज़्यादातर एडिटर्स क्या करते हैं, बिगिनर में गलती क्या बता रहा हूँ, कि आपकी जहाँ AI वॉइस ओवर चल रहा था ख़त्म हुआ, वहीं फुटेज ख़त्म की, वहीं म्यूज़िक थक करके काटी और बंद कर दी वीडियो, सही ना, काली स्क्रीन आ गई। अगर ऐसे करेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, कि मज़ेदार बनानी है वीडियो, अच्छी क्वालिटी की बनानी है, तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपका तीसरा पॉइंट ये है, आपने क्या आज तक हर वीडियो में करना है कि अपने म्यूज़िक को जो है ना ऑडियो के साथ साथ लेके स्टार्ट करना है और ऑडियो के साथ ही ख़त्म करना है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आप देखो ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ मेरी म्यूज़िक ख़त्म हो रही है, यहीं मेरी वीडियो भी ख़त्म हो रही है। ऐसा मैंने किस तरह किया कि म्यूज़िक यहाँ पर ख़त्म होने ही रही थी, मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको, ये म्यूज़िक ऐसे थी, बैकग्राउंड म्यूज़िक ये फाइल है, ठीक है। अब मैं अगर इसको ऐसे कर देता या तो फिर यहाँ लाके कट कर देता, मैं दिखा रहा हूँ गलती क्या करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं लोग, तो उसे मैंने किस तरह ठीक किया कि मैंने अब तो जो म्यूज़िक थी उसको इस तरह से यहाँ पे लाके ख़त्म किया। अब ज़रा सुनते हैं bell to stay on the path to preparedness and peace. ठीक है, अब फील हुई कि म्यूज़िक ख़त्म हो गई थी। अब मसला ये आएगा कि फिर यहाँ कैसे आएगी म्यूज़िक, तो उसको मैंने फिर इस तरह से यहाँ पे लगाया अपनी अपनी इसी सेम पूरी म्यूज़िक को। अब मसला फिर यहाँ ये आएगा कि जो जॉइंट था यहाँ पे, ऐसा फील होगा कि ये म्यूज़िक जो थी भाई अचानक चलते चलते चेंज हो गई या दोबारा रीस्टार्ट हो गई। तो इस जॉइंट का सलूशन मैं क्या निकाल सकता हूँ कि जहाँ ये जॉइंट आ रहा है ना वहाँ कोई ट्रांजिशन चेंज हो रही हो वीडियो में और कुछ साथ साथ साउंड इफेक्ट भी आ रहा हो, वो फील नहीं होगा, वो फ्लो में निकल जाएगा। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक ट्रांजिशन आ रही है, तो मैं चेक करूँगा कि क्या मेरी म्यूज़िक यहाँ अगर मैं ख़त्म करता हूँ पहला पार्ट, दूसरा पार्ट यहाँ तक आ सकता है, नहीं आ सकता, इस जगह तक आ रहा है, ठीक है, और यहीं से देखो हमारे पास एक नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों का जॉइंट यहाँ लगाऊँगा और इस जगह एक साउंड इफेक्ट लगा दूँगा, साउंड इफेक्ट के साथ साथ ट्रांजिशन भी लगा दूँगा। तो उसको थोड़ा सा नीचे करते हैं हम, और मैं इसकी जो है ना आपके पास ट्रांजिशन भी लगा दूँगा साथ में, तो उससे क्या होगा एक साउंड इफेक्ट भी आएगा साथ साथ, और क्योंकि म्यूज़िक चेंज हो रही है और पूरी स्लाइड भी चेंज हो रही है तो वो फील नहीं होगी। और बिल्कुल अब क्या हुआ कि हमारे पास जो म्यूज़िक है ना वो एंड भी फ्लो में साथ हो रही है, जहाँ म्यूज़िक एंड हो रही है स्टार्ट है हमारा म्यूज़िक का, वो भी हमारी वीडियो के स्टार्ट से हो रहा है। तो एक फील आएगी कि स्टार्ट और एंड जो है ना वो हमारा स्मूथली हो रहा है। इस पर आपने गौर करना है कि म्यूज़िक ख़त्म वहीं हो जहाँ वीडियो ख़त्म हो, म्यूज़िक स्टार्ट वहीं हो जहाँ म्यूज़िक स्टार्ट हो, और जॉइंट्स ऐसी जगह पर हैं जहाँ आपकी स्लाइड चेंज हो रही हो। पांचवी और आखिरी चीज़ यह है, बहुत क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, कि आप एक ही वीडियो के अंदर मल्टीपल म्यूजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी वीडियो जो है ना वो एक अलग ही फील आएगी। क्योंकि अब नॉर्मली क्या होता है कि आपने एक वीडियो ली, उसके ऊपर फोटेज लगाई और बैकग्राउंड पे एक अच्छी सी म्यूज़िक लेकर आपने लगा दी, लेकिन अगर वो एक ही म्यूज़िक है तो एक वीडियो का आपको एक नॉर्मल वीडियो की फील आएगी कि हाँ ठीक है एक फुटेज चल रही है, पीछे म्यूज़िक चल रही है। लेकिन अगर आपकी वीडियो थोड़ी बड़ी है, अब जो वीडियो में दिखा रहा था वो थी 2 मिनट की तो चलो ठीक है, लेकिन आपकी वीडियो 10 मिनट की है और उसमें 3-3 मिनट के 3 डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो आप हर सेगमेंट को उसके हिसाब से डिवाइड करें और उसके ऊपर उसके उस सेगमेंट की म्यूज़िक स्टार्ट हो ख़त्म हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी तीनों सेगमेंट में एक अलग जो है पॉज आएगा और फिर अगली म्यूज़िक स्टार्ट होगी और एक अच्छी इंगेजिंग फील आएगी। सो आप ये भी कर सकते हैं अपने वीडियो के अंदर काम, कि अपनी एक वीडियो के अंदर मल्टीपल म्यूज़िक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ आया है, कुछ सीखने को मिला है और इस तरह की मजीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो फ़ौरन यहाँ पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नीचे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अवेलेबल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने पूछते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, और लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं जिनको आप देख सकते हैं और उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपने कोई चीज़ बनाई है और शेयर करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। दिस इज शफ़ाहत अहमद, आई विल सी यू सून विद अदर वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।